वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और ये रहा 10। जिंदगी एक सफर है सुहाना। हाय हेलो नमस्ते नमस्कार सासे कलंद आप तो कैसे मेरे प्यारे दोस्तों अभी समय हो गया है पटना को बाय बाय बोलने का। पटना से अपन विदा ले रहे हैं और अभी अपन इस रूम से भी विदा ले रहे हैं जिस रूम में हम पहले रहा करते थे जब हम स्टूडेंट लाइफ में यहाँ पे पढ़ने के लिए पटना आए हुए थे। और यहाँ पे ये हमारा बैग हो गया तैयार। ये हमारा छोटा सा GoPro का कैमरा बैग है, ये हेलमेट और ये हेडफोन, इसमें थोड़ा सा कपड़ा रखा हुआ है उसको अपन डिक्की में डालेंगे और चलते हैं अपने इसको लेकर के बाइक के ऊपर। यहाँ पे ये बाइक मिल गए हैं और AC क्यों दे दिया आप PLO ये वाला। ये आप ही ना? हाँ हम ही है, देख लीजिए चेहरा हम ही है। इसी पे डालते हैं वीडियो, अभी आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ठीक है। हाँ आएगा ब्लॉग में 5-6 दिन के बाद। आप यूट्यूब भी बनाते हैं? हाँ यूट्यूब बनाते हैं, ब्लॉग में रहते हैं। हाँ ब्लॉग से बनाते हैं यूट्यूब पर, मतलब वीडियो ब्लॉग घूमने फिरने का। ओके बाय। ओके यहाँ पे एक भाई मिल गए थे जिनके पास अपने बाइक में हमने हवा दिलवाया है क्योंकि बाइक में जो हवा है कम हो गया था टायर के अंदर, पिछले बड़े टायर के अंदर। और अभी अपन निश्चिंत हो गए हैं कि हवा चलो ठीक ठाक है अपने बाइक में और अपन निकल रहे हैं। सामने में हमारा यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि है गांधी सेतु और यहाँ अपन ऊपर से नहीं नीचे से जाएंगे यानी कि पीपा पुल से जाएंगे। और आई थिंक पंडित जी अभी तो चालू होगा पीपा पुल, ऊपर से चले अच्छा ना किए हैं रिकॉर्ड। ओके चलते हैं ऊपर से ही चलते हैं, जाम नहीं ना होगा? नहीं जाम नहीं होगा, नीचे का चालू है। हाँ वो तो है, तो चलिए हमारे दोस्त बोल रहे हैं कि ऊपर से चलने के लिए और अपन चल रहे हैं ऊपर से यानी कि गांधी सेतु के ऊपर से चल रहे हैं। और आपको तो नया वाला पुल बना है गांधी सेतु के ऊपर, जो नया वाला लोहा वाला जो बना है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा इस ब्लॉग के अंदर, काफी इंटरेस्टिंग है भाई। ऑलराइट तो अभी अपन पटना से निकलने की तैयारी कर रहे हैं और अभी अपन जा रहे हैं इस हाईवे के ऊपर, हाईवे चले जाएंगे सीधे महात्मा गांधी सेतु के ऊपर से। और आपको इस वीडियो में भाई तो नया वाला कंस्ट्रक्शन है महात्मा गांधी सेतु पुल का वो भी आपको देखने को मिलने वाला है क्योंकि देखिए ये जो भाई रिपेयरिंग है पुल के अंदर बहुत पहले से चल रहा था, करीब आज से 7-8 साल पहले से चल रहा था लेकिन फाइनली कुछ दिन पहले ही ये बन के तैयार हो गया है, उस लेन को खोल दिया गया है पब्लिक के लिए, पब्लिक गाड़ियों के लिए। इसलिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाला है वीडियो, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। महात्मा गांधी सेतु ब्रिज जो है ऑफिशियली यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। देखिए सामने में बोर्ड आपको लगा हुआ दिख रहा होगा महात्मा गांधी सेतु और यहाँ से ऑफिशियली जो पुल है स्टार्ट हो जाता है। अभी ट्रक सामने में है इसलिए नहीं दिख रहा होगा आपको, देखिए यहाँ पे लिखा महात्मा गांधी सेतु, वेलकम टू महात्मा गांधी सेतु। और अपन यहाँ से निकल रहे हैं और अपन आ गए हैं, एंटर कर गए हैं पुल के ऊपर। लेकिन ये जो भी नज़ारा आप देख रहे हैं ना वो पुराना वाला ही नज़ारा है यानी कि जो पुराना वाला ही पुल है लेकिन आगे चल के जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ है पुल के अंदर जो कि जहाँ से गंगा नदी की शुरुआत होती है वहाँ पे, वहाँ से दिखने वाला आपको जो लोहा वाला ऊपर में कंस्ट्रक्शन बना जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। मैं मटर गस्सी चैनल वाले जो भाई है साहिब सैयद उनके चैनल में मैंने देखा हुआ था वीडियो जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे और मैं उसी दिन सोच लिया था कि जब भी मैं पटना आऊँगा महात्मा गांधी सेतु का जो व्यू है आपको जरूर दिखाऊंगा, उसका नज़ारा आपको जरूर दिखाऊंगा। ऑल राइट लेकिन यहाँ से देखिए जो दूसरा लेन था सेकेंड लेन उसको यहाँ पे बंद कर दिया गया है यानी कि कार्य प्रगति पे है। और जब तक ये जो लेन जिस लेन में अपन चाह रहे हैं उस लेन को जब तक यहाँ पे देखिए रिपेयरिंग किया जा रहा था उस समय बस उसी लेन को खोल कर रखा गया था और जो गाड़ियाँ आ भी रही थी और जा भी रही थी दोनों एक ही लेन से, उसी तरीके से इस लेन में भी जिस लेन में भी मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस लेन में भी सामने से भी गाड़ियाँ आ रही है और अपन इस लेन में जा रहे हैं। इसीलिए अपन को बच के जाना पड़ेगा, बिल्कुल मतलब केयरफुल होकर रहना पड़ेगा क्योंकि सामने से भी गाड़ियाँ आ रही है। और वाह 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 क्या नज़ारा दिख रहा है हमें इस पुल का, जो ऊपर वाला जो लाइटिंग है अभी नहीं जल रही है लेकिन जब लाइटिंग जलता होगा तो और भी खूबसूरत लगता होगा ये लेन। वाह पंडित जी काफ़ी अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है, वाह वाह बहुत खूब बहुत बेहतरीन
मजा आ गया भाई, कमाल कमाल का ये है जो व्यू है, दृश्य है देखने को हमें मिल रहा है इस महात्मा गांधी सेतु पुल के ऊपर। और आई थिंक जितने लोग अभी पटना में नहीं है यानी कि लॉकडाउन में पटना से घर चले गए हैं उन लोगों को ये नज़ारा है देखने को नहीं मिल रहा होगा, बट आप हमारे वीडियो के माध्यम से इस नज़ारे को आप देख सकते हैं और किस तरीके का जो पुल बना है इसका आप एहसास अनुभव भी कर सकते हैं। पहली बार मैं इस पुल पे इस लेन पे राइड कर रहा हूँ, और जो आप साइड वाला देख रहे हैं जो वो लेन है उसमें तो मैं बहुत बार राइड कर चुका था, लेकिन इस लेन पे मैं पहली बार राइड कर रहा हूँ, क्योंकि जब से मैं पटना आना जाना मेरा शुरू हुआ था 2013 से, तब से इस लेन में कंस्ट्रक्शन ही हो रहा था और कभी इस लेन पर बाइक राइड करने का मौका हमें मिला ही नहीं था, बट आज वो जो मौका था मुझे मिल गया है और आज अपन फिर से इस गांधी सेतु पे अपना राइड कर रहे हैं। और देखिए नीचे में आपको बहुत सारा जहाज मिल जाएगा, जो कि नीचे से पुल का जो काम चल रहा है ट्रांसफॉर्मिंग करने का, उसको चेंज करने का, उनको अच्छे से बनाने का वो चल रहा है, प्रगति पे है, इसीलिए आपको बहुत सारा जहाज नीचे में मिल जाएगा जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में। वाह देखिए ऊपर वाला जो रेलिंग है लोहे वाला वो काफ़ी कमाल का दिख रहा है, शानदार नज़ारा दिख रहा है हमें, वाह बहुत खूब बेहतरीन खूबसूरत। ला 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 ला, वाह वाह बेहतरीन बहुत खूब भाई। इतने देर से मैं इस पुल पर राइड कर रहा हूँ लेकिन एक चीज अभी मैं नोटिस किया हूँ, बताऊँ क्या? देखिए जो पहले वाला जो पुल था ना, जो पहले वाला लेन था उसमें फुटवे भी बनाया गया था, यानी कि पैदल चलने के लिए जो पुल के दोनों तरफ स्पेस दिया गया था, लेकिन ये वाला जो नया वाला जो रिफॉर्मिंग लेन बना है ना उसमें वो फुटवे नहीं बनाया गया है। और यहाँ पे देखिए अभी बहुत सारा लाइट ना इस पुल के ऊपर ऑन हो गई है, वाह वाह क्या बात है बंटी जी, मजा आ गया। हाँ देखिए लाइटिंग जब जिसकी मैं बात कर ही रहा था कि लाइट बंद है इस पुल के ऊपर, लेकिन लाइटिंग भी स्टार्ट हो गया है। देखिए किस तरीके से जब लाइटिंग होती है ना तो ये पुल और भी खूबसूरत लगता है भाई। और ये देखिए कितना अच्छा कितना शानदार नज़ारा देखने को मिल रही है हमें, वाह वाह बेहतरीन बहुत खूब, क्या बताओ भाई। ये जो एहसास है फीलिंग है ना, जब आप पटना आओगे और इस पुल के ऊपर राइड करोगे तभी आपको समझ में आएगी कि एक्चुअल में जो एहसास है, एक्चुअल में जो इस पुल का वाइब्स है कितना अच्छा है बेहतरीन है। कहीं कहीं पे आपको इस तरीके का जो ग्रीन कपड़ा है पर्दा है वो लगाया गया है इस पुल पे, पता है क्यों लगाया गया है? क्योंकि जो साइड वाला जो लेन है ना उसको तोड़ा जा रहा है फिर से, उसको फिर से रिकंस्ट्रक्शन होगा, फिर से उसको बनाया जाएगा, इसलिए यहाँ पे पर्दा लगा दिया गया है ताकि वो जो कुछ कंकड़ पत्थर होता है वो नहीं इस लेन में आ जाए। और दूसरी बात जो पब्लिक जा रही है इस लेन से ऊपर सड़क के ऊपर वो उधर देखना ना शुरू कर दे भाई, जब आप सड़क पे होते हो ना, ऐसे भी जब आप हाईवे पे होते हो किसी मेन ब्रिज पे होते हो फिर आप केयरफुल रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए, क्योंकि गाड़ियाँ जो होती है काफ़ी तेज चलती है इस हाईवे पे और कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए इसको यहाँ पे पर्दा से ढक दिया गया है। और आई थिंक अभी अपन पानी को क्रॉस करके हाजीपुर सर में आ गए हैं, और देखिए पुल के नीचे का जो नज़ारा है भाई वो भी काफ़ी शानदार है, नीचे केला का बगान है और साथ में यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो फॉग है अभी से दस्तखत दे दिया है, करीब अभी 4:30 बज रहा है शाम का और अभी अपन निकले हैं पटना से मुजफ्फरपुर के लिए, और मुझे लगता है कि 6:30 या 7:45 तक अपन पहुँच जाएंगे मुजफ्फरपुर। वैसे आज ठंड काफ़ी लगने वाला है क्योंकि अपन शाम को निकले हैं पटना से मुजफ्फरपुर के लिए, एक दिन और हम पहले जा चुके हैं पटना से मुजफ्फरपुर, उस समय भाई मुझे याद है कि मेरा जो हाथ है ना बिल्कुल ठिठुर गया था, बट कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे ये पुल ख़त्म होती है और जैसे ये पुल ख़त्म होगा अपन ऑफिशियली हाजीपुर में पहुँच जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये रहा 10, अपन पहुँच गए हाजीपुर में। दोस्तों आप सभी को ऑफिशियली हाजीपुर में स्वागत करता हूँ, और अपन एंटर कर गए हैं वैशाली डिस्ट्रिक्ट में।
वैशाली वाले भाइयों व्हाट्सएप, यदि आप लोगों में से कोई व्यक्ति हमें वैशाली से देख रहे हैं तो नीचे कमेंट कीजिए आई एम फ्रॉम वैशाली। पिछले 10 मिनट से राइड करना बहुत ही मुश्किल हो रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा जाम लगा हुआ है। फिर भी अपने साइड से जितने भी बाइकर्स भाई आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे सारे लोग साइड से यूं यूं करके निकल रहे हैं। अरे रे रे, देखिए इस तरीके से हम लोग साइड से निकल रहे हैं, ऐसे बस रोड से उतर के हम लोग किसी तरीके से निकल रहे हैं क्योंकि काफ़ी लंबा जाम यहाँ पे लगा हुआ है। भाई किसी तरीके से जाम से अपन निकल जाएंगे तभी अपन जल्दी पहुंच पाएंगे मुजफ्फरपुर, और ठंड भी कम लगेगी, वरना जितना टाइम बीतेगा टेम्परेचर उतना नीचे गिरेगा और ठंड हमें उतना ही अधिक लगेगा। कोई बात नहीं, किसी तरीके से अपन धीरे धीरे ऐसे ही निकल रहे हैं। बाकी जो लोग बस में हैं, कार में हैं, ट्रक में हैं, वो लोग तो बस इंतज़ार ही कर रहे हैं कि जाम कब छूटेगा। ओह माय गॉड, काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है। और वीडियो में आपको एक चुटकी में जाम से निकल के दिखाऊं? ओके दिखाता हूँ, बट यहाँ पे इस तरीके का क्रिटिकल जाम है, गलियाँ हैं जिससे अपन निकल रहे हैं, गाड़ियों का गलियों से कह सकते हैं आप। और मुझे तो कैमरा ऑफ करने का मन नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा क्रिटिकल गलियाँ हैं, गाड़ियों के बीच से अपन निकल रहे हैं अभी। ओके कोई बात नहीं, दिल पे पत्थर रख के अपन कैमरा को ऑफ करते हैं। दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। वाह, गाना मुझे याद आ गया था। कोई बात नहीं, मिलते हैं आपको जाम के बाद। फाइनली यहाँ जा कर के हमने जाम को क्रॉस कर लिया है, और फराटेदार सड़क पर देखिए गाड़ियाँ दौड़ रही हैं जैसे पहले दौड़ रहा था जाम से पहले। और बंटी भाई को अपन छोड़ेंगे यहाँ पे हाजीपुर में और चले जाएंगे सीधे सोनपुर होते हुए छपरा, और हम यहाँ से निकलेंगे सीधे मुजफ्फरपुर के लिए। भाई यहाँ पर पहुँच गए हाजीपुर के पास, और ये हाजीपुर का जो ऊपर वाला पुल है, और यहाँ से अपन नीचे से जाकर राइट लेंगे और चले जाएंगे सीधे मुजफ्फरपुर। अभी यहाँ पे बंटी भाई को विदा बोलने का समय आ गया है, विदा बोलने का मन तो नहीं कर रहा है, फिर भी विदा बोलना पड़ेगा, और हम लोग काफ़ी जल्दी मिलने वाले हैं ना बंटी भाई। और यहाँ पे देख लीजिए ये गोलम्बर है, गोलम्बर के पास मैं बंटी भाई को अभी ड्रॉप कर रहा हूँ, और बढ़िया से जाइएगा, घर पहुँच के हमको भी कॉल करिएगा और मैं भी कॉल करने वाला हूँ, ठीक है? ओके बाय, थैंक यू सो मच। और बंटी भाई बोल रहे हैं कि सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके थैंक यू सो मच बंटी भाई, बाय। और अभी अपन यहाँ से सिंगल हो गए हाजीपुर से, और सीधे पर निकलने वाले हैं मुजफ्फरपुर के लिए। ऑल राइट, अभी अपन यहाँ पे एक ब्रिज को पार करेंगे, यानी कि ओवर ब्रिज को क्रॉस करेंगे। भाई जा तो जल्दी आ जा, हम बाद में जाएंगे। अरे चल तो यार, ना आगे बढ़ने दिया ना आगे जा रहा है। ऑल राइट, तो अभी अपन बाहर निकल गए हैं, वैसे तो हाजीपुर में ही है लेकिन इस ओवरब्रिज के ऊपर आ गए हैं, और मुझे लगता है कि जहाँ मुझे और केवल एक ही जगह पे लगने मिलने वाली है यहाँ से कुछ दूर के बाद। बट अब अपन फ्री होकर बाइक राइड कर सकते हैं इस सड़क पर और पहुँच सकते हैं मुजफ्फरपुर। वैसे यहाँ पे कुहासा तो लग गई है हल्का हल्का, अपन समय के गाड़ी को चलाएंगे, बाइक राइड करेंगे, ठंड भी लग रही है, और फिर भी भाई आप लोगों का साथ है, आप लोगों का हिम्मत हमारे साथ है, इसीलिए अपन अपने फुल कॉन्फिडेंस और फुल जज्बे के साथ पटना से निकल गए हैं मुजफ्फरपुर के लिए, और पहुँचेंगे ही जरूर। मुजफ्फरपुर 55 किलोमीटर यहाँ से है, और दरभंगा 110 किलोमीटर है, यानी कि यहाँ से जितना मुजफ्फरपुर है मुजफ्फरपुर से भी उतना ही दरभंगा है, यानी कि 55 किलोमीटर और 55 किलोमीटर 110 किलोमीटर। वाह क्या बात है, क्या काम है नितिन। ऑल राइट दोस्तों, तो यहाँ अपन आ गए हैं हाजीपुर से आगे, जो यहाँ पे एक टोल प्लाजा है इसके पास से, देखिए यहाँ पे जो है ना ललन सिंह ढाबा है, क्योंकि काफ़ी अच्छा इसमें इसके अंदर लाइटिंग किया गया है,
काफी अच्छा लग रहा है देखने में। और सामने हमारे पास ही है टोल प्लाजा, देखिए ये रहा वो टोल प्लाजा जहाँ आप लोग क्रॉस करने वाले हैं लेफ्ट साइड से लेन वन, और इधर है लेन फाइव। हमें लेन वन से गुजरना है और अपन लेन वन से गुजर सकते हैं, जा सकते हैं बिना टोल टैक्स दिए हुए, क्योंकि दो चक्का वाहनों के लिए यहाँ पे टोल टैक्स नहीं लगता है। ये रहा वो टोल प्लाजा और यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए व्हाट अ वंडरफुल, व्हाट अ वंडरफुल लाइटिंग भाई, कितना अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है इस ब्रिज पे। देखिए जब लाइटिंग होती है ना, जब जो सड़कें होती है लाल रंग से जब नहाई होती है ना, तो काफी मजा आता है सड़कों को देखने में। देखिए कितना सुंदर नजारा ये है इस हाईवे का जो कि है मुजफ्फरपुर पटना के बीच में, और काफी मजा आ रही है। अभी शाम का समय है, राइड करते हुए काफी मजा आ रही है हमें। और जो लाइटें हैं ना भाई, मेरे हेड लाइट है मेरे बाइक का, उसको मैं तो जस्टिस नहीं कर पा रहा हूँ कितना साफ कितना अच्छा दिख रहा है। बट हमारा जो कैमरा है, देखिए कैमरा में जैसे मैं लाइट को हाई लो करता हूँ तो कैमरा में अस्पष्ट पता चलती है कि मैं अपने लाइट को हाई कर रहा हूँ लो कर रहा हूँ। दोस्तों अभी का अपडेट ये है कि जैसे मैं किसी मोहल्ले से गुजरता हूँ, जैसे मैं किसी चौक चौराहे से गुजरता हूँ, तो वहाँ का जो हवाएं हैं थोड़ी सी गर्म हो गई है, लेकिन जैसे ही मैं मोहल्ले से बाहर निकलता हूँ ना, जो हवाएं हैं बिल्कुल ठंडा हो गया है। और आपको तो मैंने दिखाया हुआ था जब मैं मुजफ्फरपुर से पटना गया था, तो जो मैंने ब्लॉग बनाया हुआ था उसमें आपको दिखाया हुआ था कि कितना अधिक जंगल है इस हाईवे के दोनों तरफ, इसीलिए जो हवा है बिल्कुल ठंडी हो गई है, जो टेम्परेचर है बिल्कुल कम हो गया है। और आई थिंक यहाँ से करीब 40 किलोमीटर बचा हुआ है मुजफ्फरपुर, और यहाँ से हम लगता है कि एक घंटे के अंदर हम पहुँच जाएंगे मुजफ्फरपुर, क्योंकि भाई कुहासा भी लगा हुआ है सामने में, ठंड भी लग रही है, इसलिए अपन जो बाइक रहे हैं बिल्कुल धीरे धीरे चला रहे हैं। दोस्तों यहाँ से मुजफ्फरपुर तकरीबन है 24 किलोमीटर, देखिए यहाँ पे बोर्ड पर लिखा हुआ है मुजफ्फरपुर यहाँ से 24 किलोमीटर है, और आई थिंक अपन आधे घंटे में शायद पहुँच जाएंगे मुजफ्फरपुर। और भाई ये जो राइड है ना काफ़ी एडवेंचर बना हो रहा है, क्योंकि जो ठंडा है धीरे धीरे बढ़ रहा है भाई, एक तरीके से मज़ा भी आ रही है और एक तरीके से एडवेंचर भी हमें लग रहा है, क्योंकि आपके भाई को आपको पता है कि एडवेंचर पसंद है, इसीलिए ये जो राइड है भाई बहुत ही अच्छा हो रहा है, क्या बात है। दोस्तों यहाँ पे मेरे लेफ्ट साइड में देखिए ये वाला जो दिख रहे हैं आप, एक पावर प्लांट है बिजली वाला, और यहाँ पे जैसे हम पहुँचे हैं ना, फिर हमें गर्मी महसूस हुआ है। हाँ जी, गर्मी महसूस हुआ है। और बाकी जैसे अपन यहाँ से निकलेंगे और जैसे इस इलाके से बाहर जाएंगे, वहाँ पे हमें फिर से ठंड लगने वाला है। दोस्तों एक बार फिर अपन एंटर कर गए हैं मुजफ्फरपुर शहर में, आप सभी व्यूवर्स का फिर से स्वागत है इस मुजफ्फरपुर शहर में। और अभी मैं टाइम तो नहीं देखा होगा कितना टाइम हुआ है, बट मैं अपने अभी मंजिल के ओर बढ़ ही रहा हूँ। और देखिए यहाँ पे जो सड़क किनारे जो मूर्तियाँ बनी थी, मंदिर है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और जब भी अपन पहले बस से आया जा करते थे अपने घर और पटना, तब अपन इस मूर्तियों को इस मंदिर को देखा करते थे, बट अभी देखिए जब मैं बाइक से ट्रेवल कर रहा हूँ तो और भी अच्छा लगता है ये मूर्ति। और यहाँ से जो सड़कें हैं बहुत संकरी होने वाली है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए अपन को सामने के चलना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे अपन अगोड़िया बाजार पहुँचने वाले हैं, मुजफ्फरपुर के अगोड़िया बाजार, और यहाँ पे अभी रेलवे क्रॉसिंग होने वाला है मेरे सामने में। और देखिए बहुत सारे लोग जो है ना बैरियर गिरने के बाद भी ट्रैक को क्रॉस कर रहे हैं, जितने भी साइकिल वाले हैं, और एक तो मोटरसाइकिल वाले भी, देखिए मोटरसाइकिल वाले भी क्रॉस करके आ रहे हैं, जो कि काफ़ी बुरी बात है, काफ़ी ख़राब बात है। देखिए अभी आपको सामने में दिख रहा है जो मोटरसाइकिल वाले भाई है वो क्रॉस कर रहे हैं बैरियर गिरने के बाद भी, जो कि काफ़ी बुरी बात है, नहीं करना चाहिए। और क्या पता अगर इसी समय ट्रेन आ जाती है तो फिर ये जो हादसा है बहुत बड़ा हादसा हो सकता है यहाँ पे। देखिए खतरों का खिलाड़ी है ये सारे लोग, यहाँ पे ट्रेन हॉर्न दे रही है, नज़दीक में शायद आ गई है, हाँ सामने में दिख भी रहा है, और ये सारे लोग ट्रेन की पटरी को क्रॉस कर रहे हैं। भाई जा पीछे वरना जाएगा तू। और ये ट्रेन क्रॉस कर रही है, देखिए और ये देखिए सारे लोग लाइन में लग गए हैं गाड़ी क्रॉस करने के लिए, एक दूसरे से रेस लगा रहे हैं, और हम तो निकल गए हैं भाई। दोस्तों अपन मुजफ्फरपुर सिटी पहुंच गए हैं, और यहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर के बाद
हम पहुंच जाएंगे अपने रूम पर। आशा करता हूं कि आपको ये छोटा सा सिंपल सा ब्लॉग पसंद आया होगा। यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके एक सब्सक्रिप्शन से आपको कुछ नहीं जाता, बट हमें मोटिवेशन मिलती है आगे आपके लिए अच्छे से वीडियो बनाने के लिए। इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलता है एक नए वीडियो में अच्छे से ब्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए एज ऑलवेज ड्राइव सेफ, ऑलवेज वियर अ हेलमेट। जय हिंद, वंदे मातरम।